अरे खा के देखो, टेस्ट करके देखो, कोलकाता का फेमस। हाँ क्या हुआ, कैसा लगा? पता लग जाएगा क्यों बना रहे लोग। खत्म। रोमियो देखो गाइस, फोन लेके फॉलो करवा रहा है अपने 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 आप को। आ गई थी टाइम पे, पर मैं ना सीढ़ियों से गिर गई और मेरे चोट लग गई और मेरे पैरों में भी लगी हुई है। रुला दिया ना बेचारी को। तो गाइस यहां पे मेरे 10 मिलियन यहां पे होने वाले। अगर आप लोग भाई जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दे तो 10 मिलियन अभी कैसे हो जाएंगे देखते हैं भाई। लाइक सब्सक्राइब जल्दी पे 10 मिलियन का केक कट करने वाले गाइज। और ये मेरे लिए बहुत खुशी का गाइज यहाँ पे दिन है। और गाइज आज ही 10 मिलियन हुए, बहुत कुछ भाई, मतलब इतना ज्यादा गाइज हैप्पी। मेरा ड्रीम था कि 10 मिलियन हुआ और गाइज फाइनली हमारे ड्रीम जो है गाइज पूरी होती हुई। तो भाई अभी मैं केक कट करने वाला हूँ। आप लोगों ने अभी देखे ब्लॉग को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और बाकी सब हमारे जो दोस्त लोग भी आ रहे हैं आप लोग देख सकते हो। और ये कौन से प्लेयर है बताने एक बार, ये वाले पीछे भी नसीम नसीम अरे ये भी डिजाइनर में अरे कुत्ते ने क्या उसको अरे अरे नहीं ऐसे पावर आदम जैसे दिखता है। और गाइस यहां पे मेरे फैमिली मेंबर्स संकेत कब से वेट कर रहा था। So guys, कल रात में हमने 10 मिलियन का पार्टी करा। और गाइज आज मेरे को सुबह तुरंत निकलना पड़ रहा है यहाँ पे दिल्ली के लिए, वहाँ पे एक तगड़ा इवेंट है। तो उस इवेंट में हम लोग जाने वाले, बहुत सारे लोग आने वाले और गाइज मेरे बहुत सारे दोस्त भी आने वाले, तो वो लोग भी गाइज अभी 10 मिलियन की पार्टी मांग रहे हैं। तो भाई अब वहाँ पे दिल्ली जा रहा हूँ इवेंट करके, फिर देखते भाई क्या क्या प्लान बनेगा आज। So guys, यहाँ पे देखो गाइस हमारे साथ में देखो गाइस कौन है, यहाँ पे हमारे ज्ञान भाई बैठे ओपी, ज्ञान भाई ओपी। और हमारे यहाँ पे प्रिंस भाई है। और गाइस हमारे साथ मैम भाई है। तो गाइस यहाँ पे बहुत खतरनाक दिख रहा होगा इसमें, सबसे सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक मेरे सबसे सेक्सी, सारी लड़कियां गाइस आजू बाजू वाली मेरे को ही देख रही है। ये कोलकाता का हमारे दोस्त है। ओके भाई मैं सही लग रहा हूँ ना गाइस, एकदम बिजनेस मैन फीलिंग आ रही है। मैंने कहा कि शादी है, लड़के शादी के उसने जा रहा है। अरे यार मेरी शादी गाइस, देखो मैं कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो गया। इवेंट इवेंट देखो गाइस, इवेंट वालों ने बोल रखा लेकिन जॉर्डन नीचे पहन लिया। बाद में मैंने सोचा पैसा दिखाना गाइस, उसको पैसा दिखाना जरूरी, पैसा भर के रखा है। ऊपर से भले ही कैसा और नीचे पैसा दिखना, नीचे से पैसे दिखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला था एकदम सिंपल रहो, फॉर्मल रहो, वरना एंट्री नहीं मिलेगी इवेंट में। तो भाई हमने बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। फिर मैंने प्रिंस से बोला भाई नयन भाई तुम सी लग रहे हो, फिर मैंने बोला फिर मैं जॉर्डन ही पहन लेता हूं। बहुत तेज है तुम। सो गाइस देखो हमारे फ्री फायर के मेन टॉप प्लेयर को, स्पोर्ट्स प्लेयर को गाइस किसके लिए बुलाया है यहाँ पे, लूडो खेलने के लिए बुलाया है। मेरी टेबल पूरी खाली है। हैं तो तू जीत गया सीधे, अकेला बैठ के जीत के आ गया। तो गाइस अब रोमियो गेमर जो है और मेरा वर्सेस होने वाला है। रोमियो जीतेगा लूडो में मेरे से। तू मेरे बैच में नहीं है, मेरे स्लॉट में नहीं है, मेरे साथ तो लड़कियां आएंगी। देखो देखो दरिंद की चेहरे से टपकती है नंबर एक का कबीना। सो गाइस अभी हम लोगों को लूडो खेलना है। और गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो सारे लोग यहां पे लूडो खेल रहे हैं। और हम मेरी पार्टनर देखो हुस्ना आज हारने वाली हो मुझसे लूडो में। तुम और मुझे भी नहीं पता था तुम आ रही हो, और तुम सीधे मेरे को अपोनेंट में दिख गई। यहाँ पे नाम पढ़ा मैंने, बोला अरे ये हुस्ना आ रही है। सो गाइस अभी हमारी बारी है, लूडो खेल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं क्या कितना कितना गिरेगा। अरे भाई छह गिर रहे मेरे, पता नहीं कैसे छह पे कर दो, वो वाला कर दो। ठीक है आप देखना गाइस, अब वापस जो है छह अब हुस्ना की गोटी मारने वाला हो गाइस। अरे कैसे निकल रहा है भाई छह, हाँ वही चल लो। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। अब उसना मारना मत मेरी है गोटी, मत मत काटो मत। गया गया बच गया बच गया गाइस। देखते तुषार भाई दम 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 समझ रहे हो समझ रहे हो। तुषार भाई आ रहा हूँ पीछे से तुम्हारी गोटी मारने, रुको गोटी मारना रुको। हमारे इसमें गोटी बोलते हैं पता है इसको मराठी में।
गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। मेरे को पता नहीं कैसे छह गिर रहे। मजा आया। सो गाइस यहाँ पे हम लोग नाश्ते के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे नाश्ते जैसा कुछ है ही नहीं। रोमियो क्या है ये? नहीं बताऊंगा। ये वाला बहुत सही लग रहा है। ये मिर्ची है क्या उसके अंदर? मिर्ची तो नहीं। क्या है? अब दिया। ये क्या है? बहुत ही ज्यादा गंदा है। गंदा है तेरी कसम। ये वाला नहीं, ये वाला गंदा है। ये वाला अभी मेरे को ठीक ठाक ही लगा, पता है गाइस। ये क्या है? वेफर्स के साथ में ये, अगर इसको एक ऐसा वेफर उठा ले, ये क्या है? और बाकी का बचा हुआ क्या करना है? ये वाला सबसे अच्छा है, खा के देखो, एकदम सही। देखो खा के देखो, सही है। शर्म करो, भगवान से डरो। कौन सी दुश्मन? सबने छोड़ रखा है गाइस यहाँ पे, जिनको पागल बनाए सबने छोड़ दिया। ये वाला, हाँ एक और टेस्ट। ये फिर भी हाँ, ये ठीक ठाक है। मतलब तभी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या। खाली ये ठीक है, लोगों ने फ्री में बनवाया है। ये वाला ट्राई करो। अरे बहुत बढ़िया है, उधर कोलकाता का सबसे फेमस। अरे खा के देखो, टेस्ट करके देखो, कोलकाता का फेमस। हाँ क्या हुआ, कैसा लगा रोमियो? कैसा है वो, सच सच बता। मैंने टेस्ट ही नहीं किया। नहीं नहीं, टेस्ट कर ले एक बार टेस्ट तो करके देख, तेरी कसम बढ़िया। मुंह तो खराब नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मुंह खराब नहीं होगा। इतना मुंह बना रहे, ऐसा क्या है? खा कर देखना, पता लग जाएगा क्यों बना रहे लोग। अभी क्या है? अरे एक चम्मच पूरी तो खा यार, ये तो गलत बात है। अरे जल्दी डाली, ऐसा लग रहा है उसके अंदर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अरे ये बस खा के देख। कौन सा? ये वाला एक नंबर। ये वाला? हाँ बेस्ट है। अरे खा के देख, मस्त है। देख मेरे आंखों के सामने खाओ, खा के दिखाएंगे। मिर्ची दिख रही है ना इधर? अरे वो इसके जैसा लेमन, बहुत टेस्टी है। सबसे पहले बकरा तू ही था यहाँ पे, सबको खिलवाया अपन ने। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। स्वीडन की फेवरेट डिश है वो टट्टो के कोफ्ते। स्वीडन वालों को ही खिलाओ, इधर मत लाओ इंडिया, ये पाप मत लाओ। तुम्हें कैसा लगा खा के? अंकल अंकल इधर। अरे गजब बेइज्जती है भाई, ब्लॉग में बेइज्जती हो गई भाई। बिल्लो बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी। बहुत बढ़िया है भाई, तू ये ट्राई कर ले, एक नंबर है भाई। ज्यादा ले मेरे को भी ले। मिर्ची मत ले। अरे बहुत सही है, ये बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, खा के देखो, खा के देखो। स्वीडन डिश है, खास आपके लिए स्वीडन डिश लाया है। हाँ स्वीडन से लाया आपके लिए। हाँ खाओ खाओ। हाँ ₹150 देगा। ये खा रहे भाई, ये ऐसा होता है ना भाई, शादी हो रखी है, घर में बीवी की मार भी खा लेता तो ये भी खाए। अरे आगे भाग गए वो लोग, रिएक्शन नहीं दिए वीडियो के सामने, रिएक्शन नहीं दिए, भाग गए। हरामी हो बेटा। ज्ञान भाई बहुत सही चीज है, एक बार ट्राई करो स्वीडन की, खास आपके लिए। गुजरात का फेमस जामुन शॉट, ठीक है, इसमें जामुन जामुन पता है ना? हाँ जामुन शॉट। आप ये टेस्ट करो। अरे नहीं कुछ नहीं है, अच्छा है, खा के देखो, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। अरे 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 अरे, ये आदमी की क्या है, कोलकाता पावर।
क्या था वो? मुझे नहीं पता। अच्छा 10 में से माइनस उल्टा 100। सो गाइस चलते सबको खिला दिया यहाँ पे हम लोगों ने, सब लोग मुंह टेढ़ा करके गए, सबको बर्बाद कर दिया। रोमियो से शुरुआत हुई आखिर तक सब तक ये क्या पता नहीं सिस्टम फाड़ देंगे। रोमियो देखो गाइस फोन लेके फॉलो करवा रहा है अपने आप को अकाउंट पे। क्या बोलना चाह रहे तो आप भाई, इतना ये नहीं होना चाहिए भाई। देखो गाइस फोन लेके उसका अपने आप को फॉलो करवा रहा है, वो इन्वेस्टर है, वो अपन लोगों पे इन्वेस्ट कर सकती है, तो मेरे को भी फॉलो करवाने बोल ले उसको। पार्टी बदल लिया साला। तो ये 10-15 लाख का जो है ऑर्डर आने वाला है। ज्ञान भाई सुनो, फ्री फायर वाले चीज बोल देता हूँ, इससे दूर रहो। फ्री फायर वालों मुझसे क्यों? फ्री फायर ऑनिस की बात नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, दो तरह की होता है। ओके ओके समझ गया। हाँ समझ गया, दिल इसका। हाँ दूसरे बार मत तोड़ना, अब मत तोड़ना। अब तू भी छोड़ के मत जाना हम लोगों को। छोड़ के गया यार, BGMI में चला गया तो छोड़ के। खेला था ना, देखा नहीं तुम लोगों ने? देखा नहीं, मैंने देखा है। इसका गेम प्ले जो है ना, मेरा फेवरेट प्लेयर है पता है। क्लच किया लास्ट में, क्लच पैन से दब 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 पैन खच भैया। गाइस कैजुअल कपड़ों में बुलाया था ठीक है, और ये बंदी देखो, ये कैजुअल कपड़े तेरे हैं और क्या। और गाइस ये क्या हुआ है पता है, ये ना इवेंट खत्म होने के बाद आई है, सो रही थी या हमेशा की तरह आलसी, इसको भी बुलाया रखा था। आ गई थी टाइम पे, पर मैं ना सीढ़ियों से गिर गई और मेरे चोट लग गई और मेरे पैरों में भी लगी हुई है। अरे वो मच्छर ने काटा हुआ है, ऐसे बोल। चल मच्छर ने काटा हुआ है, देख मच्छर ने काटा हुआ है, लो वाइट दिया मच्छर ने। फिर ऐसे खाना पीना खाते रहो ना, फिर हट्टे कट्टे कब हो गए। मेरी ड्रेस की बात कर रहे हैं, एक मिनट दिखाना फोन जरा। ठीक है ऊपर से ठीक है, ये चिड़िया का पापा की पैंट पे क्या है, पापा का पैंट पहन के आया हुआ। अच्छा। अलग है पापा का पूरा। ये ब्लू कलर के जूते कैसे जा रहे हैं ऐसा आउटफिट में? अरे वो अच्छे नहीं लग रहे थे मेरे, जो नॉर्मल है ना, मेरे को मैं ऐसे पहनता नहीं, तो मैं बोला चलो ठीक है। अच्छा तो ये अच्छे लग रहे हैं। ऑब्वियसली जूते कुछ भी पहनो, क्या फोन देख रहा है। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं। अच्छा शर्म नहीं आ रही तेरे को बोलते हुए? तूने नोटिस करे ना बस, और क्या चाहिए। मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। मैंने नोटिस किया क्योंकि वो बहुत अलग लग रहा है। गाइस देख रहे हो यार, ये ना, ये समझते हो ना भाई, ये प्यार में पागल है, छोड़ो। देखो मुक्ति जो है, मैं आधे घंटे से मुक्ति को ढूंढ रहा हूँ, और ये देखो भाई आधे घंटे से मेकअप चल रहा है बहुत खतरनाक वाली, आंखें जो है चुड़ैल जैसी बड़ी कर रही है। किसके लिए कर रही है तू? मेरे साथ होते हुए मेकअप करती है क्यों, ऐसा क्यों? अबे साले मेरे सामने अच्छा दिखना चाहती है। मैं ऑलरेडी अच्छी लगती हूँ, मैं तेरे सामने अगर नेचुरल फेस भी आके तब भी अच्छी लगूंगी। अच्छा तो गाइस देखो, ये जो जानबूझ के मेकअप कर रही है किसी को इम्प्रेस करने के लिए, मैं खुद को इम्प्रेस करने के लिए मेकअप करती हूँ ठीक है। ये तो पहले बंदी दिखी मेरे को, ऐसे बढ़कर वाली। So guys, अभी हमारा ये हो चुका है, और गाइज ये ड्रेस मेरे पे बिल्कुल जचा नहीं, तो इसलिए मैंने दूसरा ड्रेस निकाला। अभी हम लोग इवेंट से आए, लूडो खिलवाया भाई हमसे, दिमाग खराब हो गया। इधर से इतने दूर से भाई हम लोग बुलाया। अरे लूडो में मैं नहीं हारा, जान पूछ के। अरे मैंने जान पूछ के उसको मैच दिया, हुस्ना को, सच में उसको मैंने मैच दे दिया, और मैं बोला चल खुश रहे कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत सीरियसली खेल रही थी इसका। अरे घंटा भाई जीता हूँ भाई, रनर अप हूँ मैं। ये देखो प्राइस दिखाओ तुमको, ये देखो ये प्राइस किसी को थोड़ी मिला, ये देखो प्राइस देख रहे हो गाइस, रनर अप हूँ। देख रहे हो यार तू, क्या यार क्या मुक्ति, कौन से दुनिया में है तू? So guys, अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और गाइज यहाँ पे हमारे साथ में प्रिंस भाई और हमारे गेमर स्टॉस भाई। बोलो 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 बोलो, बेइज्जती हो गई। बोलो 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 बोलो, अच्छा चल चल बोल अब। ओके गाइस, यहाँ पे नैन भाई ने एक क्लिप कट करके फिर से नई क्लिप स्टार्ट की है, लेकिन मुझे पता भाई के लिए फर्स्ट टाइम व्लॉग है, इसलिए भाई थोड़ा सा अटक अटक के बात कर रहे, थोड़ा इग्नोर करना। सीखेगा भाई सीखेगा। प्रिंस भाई के ऊपर व्लॉग आएगा, हैप्पी प्रिंस भाई के ऊपर व्लॉग आएगा, आप लोग जाके देखना। एक दो महीने में सीख जाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अपन हर चीज सीखते हैं, तो सीखते ही तो होगा। माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट सैड, तुम दुखी मत हो, अभी तो मजा है। और यहाँ पे हमारे गेमर्स टॉय भाई, इनसे मिलकर बहुत अच्छा है गाइस। ये बहुत ओल्ड गेमर्स में से एक है, ज्ञान भाई ने जब से पहले स्ट्रीमिंग स्टार्ट
स्टार्ट नहीं करी थी, उससे पहले ये इनके साथ ज्ञान भाई के साथ खेलते थे। उतने पुराने बंदे हैं ये, 7 साल पुराने, 7 साल से गेमिंग कर रहे हैं, 2017 से। एज भी 34 है, तो भाई इनको देख के हमको मोटिवेशन आ रहा है कि भाई हम भी कर सकते, हम भी मतलब 40-50 साल तक गेमिंग कर सकते। क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि भाई मैं ओल्ड होने के बाद मैं क्या गेमिंग करूंगा नहीं करूंगा, मैं ऐसा सोचता हूँ पता है, क्योंकि एज होता है ना गेमिंग का, तो इसलिए तुम झूठ बोलते। मेरी लेयर है, मैं 25 साल का हूँ और मैं कम्युनिटी इंडस्ट्री का, गेमिंग इंडस्ट्री का अनिल कपूर हूँ, इसलिए बिल्कुल 25 साल का नहीं है मेरा। और अभी नयन भाई बहुत प्यार दिया उन्होंने, मैं पहली बार ये सब क्रिएटर से मिला था, जैसे अपना ये भाई है प्रिंस भाई, तो अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। डेफिनेटली साथ में कुछ बढ़िया कंटेंट बनाएंगे और आप इन लोगों को भी जो है सिमुलेशन गेम्स खेलते हुए देखोगे। थैंक यू सो मच नयन भाई इतना प्यार देने के लिए। तो चलो गाइस, और हमारे अमन भाई भी है यहाँ पे, हमारे SSN आर्मी गिल्ड के एल्डर, ठीक है, एंड यही सब मैनेज करते हैं। अगर आपको गिल्ड में आना है SSN आर्मी से, तो इनसे कॉल कॉन्टेक्ट करिए, सौरभ और अमन भाई और हमारे वाफी भाई, और कौन कौन मैनेज करता है, फेक एसिन, फेक और एसिन काका, ये सारे बंदे हमारे गिल्ड को मैनेज करते हैं, तो आप लोग इनसे जाके ये कर सकते हो। अमन भाई अच्छा लगा मुझे मिलके, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। हाँ तो चलो प्यार, तो चलो भाई अब निकलते हैं घर के।